अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल दीवार शब के बारे में। तो आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ तो उसके बारे में बात करते हैं, और साथ साथ में हम बात करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है। आज के एपिसोड में जो सबसे बुरा हुआ वो यही था कि जोया और शराफत यानी कि जो वकील है उसके वालिद का, उसके साथ जोया का रिश्ता तय कर दिया गया, और जोया के वालिद ने भी रजामंदी दे दी अपनी, जिसे सुनकर जोया के बहन भाई दोनों बहुत खुश हुए। जोया की बहन जिसे सबसे ज्यादा जल्दी है शराफत के साथ जोया की शादी तय करने की, उसको शराफत ने सोने के कंगन लेकर दिए। और इसके अलावा हमने आज के एपिसोड में ये भी देखा कि गेती आरा को वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है यानी कि नबील, और कहता है कि सलार से कहे कि इस मामले से दूर रहे यानी कि उस मुलाजमा के कत्ल के मामले से दूर रहे। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि संदल को काम मिलना बंद हो चुका है, वाली साहब और बहजाद ने अपना अपना पैसा निकालने की कोशिश शुरू कर दी है, जिसकी वजह से अब गेती आरा के खानदान पर मुश्किलात शुरू हो गई हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम ये देखेंगे कि दिलदार नानी लेकर जाएंगे संदल को कहीं पर अपने साथ, और इस बात से खुश नहीं होंगी सितारा नानी, लेकिन वो जबरदस्ती अपने साथ ले जाएंगी उसे, और फिर नबील के पास वो बैठी होंगी और कहेंगी कि कैसे, मुझे पता है मैंने राजी किया है हाथ जोड़ जोड़ के। और नबील आगे से जवाब देगा कि जिस दिन मेरा काम निकल गया मैं जरताज बेगम को भी मार डालूंगा, और जरताज बेगम इन बातों को सुन रही होगी। नबील एक बहुत ही घटिया शख्स है, उसने पहले चंदा को मार डाला है और अब वो जरताज बेगम के बारे में इस किस्म की बातें कर रहा है। और गेतियारा उससे कहेगी नेक्स्ट एपिसोड में कि तुम खुदा से डरो, तुम पर भी इस किस्म का कोई भी वक्त आ सकता है। सालार चंदा के कातिलों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है पुलिस के साथ मिलके, और वो जरूर जल्द ही पहुंच जाएगा नबील तक। और दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि जोया की शादी हो रही होगी और जोया बेहोश होकर गिर जाएगी। इस ड्रामे की अपडेट्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।